नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत करती हूँ मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ चिमकी। यहाँ पे मैं अपना गार्डन आप लोगों को घुमा के दिखाती हूँ और मेरे प्लांट्स आप लोगों को दिखाती हूँ, कैसे मैं इतने फूल लाती हूँ अपने प्लांट्स में, कैसे अपने प्लांट्स को हेल्दी रखती हूँ और कभी कभी क्या क्या दिक्कत का मैं सामना करती हूँ, कैसे उनको दूर करती हूँ, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे वीडियोज अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा एंड ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा, आज मैं वाटर लिली को कैसे रिपोर्टिंग करेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये सब वाटर लिलीज ट्रॉपिकल वाटर लिलीज हैं, इनको मैंने ऑनलाइन मंगाया है। हमारे मैंने ये नर्सरी के बारे में पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये हमारे उड़ीसा में छिंडीपदा अनुगुल के पास है, उधर एक बड़ा सा नर्सरी है जिसका नाम है अरेनियम एंड एक्वाटिक मॉल। बहुत बड़ा एरिया में उन्होंने बनाया है और बहुत सारे वैरायटीज़ के अरेनियम्स और एक्वाटिक प्लांट्स आप लोगों को उधर मिल जाएंगे। अगर आसपास आप छिंडीपदा के आसपास रहते हैं तो भी ज़रूर विजिट करिए। मैंने लोटस और लिलीज दोनों ही मंगाई थी और पहले लोटस बोलना भूल गई थी, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है लोटस का ट्यूबर। ये जितने सारे लोटस और लिलीज मैं मंगाई हूँ सबको आज रिपोर्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगी और ये सब मैं बेचूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर मुझे मैसेज करिए, व्हाट्सअप नंबर में दे दूंगी। अगर आप लोगों को ये कलर पसंद आ रहे हैं, ये वाला वेराइटीज लिलीज के लोटस के पसंद है तो ज़रूर मुझसे आप लोग मंगवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों को जैसे प्लांट्स इधर देख रहे हैं ऐसा ही प्लांट मिलेगा। आप मुझे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ चिमकी में DM भी कर सकते हैं। रिपोर्टिंग करने से पहले एक घोल बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये सॉल्यूशन मैं जब रिपोर्टिंग करूँगी तब अपने प्लांट्स में दूंगी। इसमें मैंने मिलाया है एप्सम सॉल्ट 2 ग्राम पर लीटर, ह्यूमिक 1 ग्राम पर लीटर और फंगिसाइड 1 ग्राम पर लीटर। ये जो सॉल्यूशन मैं बना रही हूँ इसमें जब रिपोर्ट करूँगी लिलीज को लोटस को उसी टाइम पर मैं दूंगी, आगे आप लोग देखेंगे। कोई भी प्लांट में रिपोर्ट करूं ये वाला सॉल्यूशन ज़रूर देती हूं। ये बहुत ही अच्छा होता है, जब भी आप रिपोर्ट करें अपने प्लांट्स को ये वाला सॉल्यूशन बना के अपने प्लांट्स में ज़रूर देंगे, क्योंकि ये रिपोर्टिंग सबसे आप लोग आपका जो पौधा है उसको बचाने में पूरा हेल्प करता है और रूट को स्टेबलाइज करने में भी हेल्प करता है। तो चलिए रिपोर्टिंग स्टार्ट करते हैं, मेरा तैयारी पूरा हो गया है। पहले आप लोगों को बता देती हूँ पॉटिंग मिक्स मैंने कैसे तैयार किया है और मेरे हस्बैंड माली भैया को बता रहे हैं कि क्या क्या देना है बोल के। तो पॉटिंग मिक्स में मैंने लिया है हाफ सॉयल और हाफ वर्मी कम्पोस्ट, यानी कि मिट्टी की मात्रा और वर्मी कम्पोस्ट की मात्रा दोनों ही सेम है। इसमें मिट्टी में मैंने लीफ मोल्ड भी मिलाया है। यह नीम खली, पॉटिंग मिक्स में नीम खली का व्यवहार जरूर करें, वो अपने प्लांट्स को फंगस के अटैक से बचाता है। पॉटिंग मिक्स में हमेशा नीम खली का प्रयोग करें और उसके साथ कुछ सीवीड ग्रैनुल्स भी मैं व्यवहार करूंगी। तो चलिए रिपोर्टिंग स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने दे दिया है वर्मी कम्पोस्ट, उसको अच्छे से फैला दूंगी और उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डालूंगी। मिट्टी जितना वर्मी कम्पोस्ट लिया है उसी मात्रा में मैं मिट्टी भी लूंगी, दोनों की मात्रा समान होगा आधा आधा। और मिट्टी में पहले से ही मैंने लीफ मोल्ड मिला दिया है, इसको भी अच्छे से फैला दूंगी और कुछ कंकर की कांच ऐसा कुछ होगा तो उसको भी मैं ढूंढ ढूंढ के निकाल रही हूँ। सबको निकाल के मिट्टी को अच्छे से साफ करके फिर उसके ऊपर मैंने दे दिया है नीम खली। ये जो आप देख रहे हैं ये नीम खली है, नीम खली का प्रयोग जरूर करें, बार बार मैं बोल रही हूँ। एक मुट्ठी नीम खली मैंने दे दिया है, उसके बाद एक मुट्ठी सीवीड ग्रैनुल्स। जितने सारे मैं वो लिलीज के और लोटस के प्लांट्स लाई हूँ सबको इस बार मैं टब में ही लगाऊंगी। और ये देखिए 6 टब मैंने तैयार कर लिया है, सब में लास्ट में मैंने नीम खली और उसके बाद सी विन ग्रैनुल्स भी दे दिया है। अभी बारी है जो सॉल्यूशन मैंने आपको बना के दिखाया था वीडियो के स्टार्टिंग में, वो सॉल्यूशन दे दूंगी, सब में एक एक चम्मच करके दे दूंगी। जब भी रिपोर्ट करे कोई भी प्लांट ये सॉल्यूशन अपने प्लांट्स में जरूर बना के दें। सोल्यूशन देने के बाद फिर से थोड़ा अच्छे से सेट कर देंगे और उसके बाद मिट्टी को थोड़ा पानी देके उसको गीला करेंगे। अच्छे से पानी देके थोड़ा सा पहले मैंने मिट्टी को गीला कर दिया है, अभी मैं प्लांट लगाना शुरू करूंगी। चलिए प्लांट लगाते हैं। सबसे पहले लगाएंगे लोटस का ट्यूबर। यह है लोटस का ट्यूबर, जैसे लोटस का साइज है ट्यूबर का उसी हिसाब से एक गड्ढा खोदेंगे। अभी गड्ढा खोद के मैं दिखाती हूँ आप लोग कैसे लगाएंगे, पूरा प्रोसीजर आप लोगों को दिखाती हूँ।
ऐसे कर्व करके लोटस के ट्यूबर के हिसाब से साइड में एक छोटा सा आप लोग गड्ढा खोद दें और उसके बाद अपना लोटस का जो ट्यूबर है उसको लगा लें। दोनों तरफ से जो पत्ते निकले हैं उनको थोड़ा मिट्टी के ऊपर रखिए। आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ पत्ते निकले हैं और दोनों साइड को मैंने मिट्टी के अंदर नहीं दिया है, साइड दोनों ऊपर है, बीच में सिर्फ मैंने मिट्टी दिया है। ये एक कंप्लीट हो गया रिपोर्टिंग करना, बाद में उसमें मैं पानी भर दूंगी। उसके बाद चलिए एक लीली लगा के देखते हैं। लोटस के टाइम पे जैसे हम लोगों ने गड्ढा बनाया था बिल्कुल ऐसे ही एक गड्ढा बनाएंगे और उसके बाद लीली का प्लांट लगा देंगे। पत्ते को बाहर ही रखिए, उसके बाद अच्छे से उसको ढक देंगे। ढकने के बाद ये भी कंप्लीट हो गया है। बहुत ही इजी प्रोसेस है लोटस और लिली लगाना, इतना मुश्किल काम नहीं है। आप भी आराम से पौधे को लगा सकते हैं और अपने घर में लोटस लिली उगा सकते हैं। कोई भी पसंद आ रहा है तो जरूर मुझे DM करें, नहीं तो WhatsApp पे मैसेज करें और अपना प्लांट्स खरीद लें मनपसंद। जितना सारा मैं प्लांट्स खरीद के लाई हूँ सबको आज मैं रिपोर्ट कर दूंगी और देखिएगा एक ही महीने के अंदर इसमें फूल भी आ जाएंगे। ट्यूबर को इस तरह से मैंने लगा दिया और दोनों तरफ से जो लीव्स निकले हैं उनको थोड़ा मैं बाहर की तरफ रखूंगी, मिट्टी में उसको नहीं ढकूंगी। उसके बाद फिर से मिट्टी को थोड़ा सेट कर दूंगी और ऊपर से पानी डाल के टॉप को पूरा फूल करूंगी। लोटस और लिली बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं, बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाते हैं। आपको फ्लावरिंग भी उसमें बहुत जल्दी ही मिल जाता है, कुछ भी दिक्कत उतना होता नहीं है। ये जितने सारे ट्रॉपिकल वाटर लिलीज है इसमें आप लोगों को साल भर फूल मिलेगा, पूरा साल ये फूल देते हैं। और ये ट्रॉपिकल वाटर लिली जितने सारे हैं बहुत सारे कलर के आप लोगों को मिल जाएंगे, बहुत ही सुंदर दिखते हैं। आप लोगों को एक ही बात का ध्यान रखना है, हमेशा पानी उसका जो है उसका उसको साफ रखें, नहीं तो फिर मच्छर का खतरा रहता है। जो पत्ते गल जाएंगे उनको बीच बीच में हटाते रहें और पानी को भी बीच बीच में ओवरफ्लो करते रहें ताकि ऊपर का जो गंदगी है वो चला जाए। इस तरह से थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है, बाकी बहुत ही सुंदर होते हैं ये पौधे वाटर लिलीज के और लोटस के। ये सब ट्रॉपिकल वाटर लिलीज और लोटस जो प्लांट होते हैं ये सब लो मेंटेनेंस वाले पौधे होते हैं, इतना फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट उनको नहीं होता है कि उतना देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होता है। देखिए पूरा टब मैंने पानी में भर दिया है, इस तरह से जितना सारा प्लांट्स मैंने आज लगाया है सब टब को मैं पानी में भर दूंगी और एक ही महीने में उनमें फूल भी आना शुरू हो जाएंगे। सारा रिपोर्टिंग आज कंप्लीट हो गया और सब टब को भी मैंने पानी से भर दिया है। ऊपर ऊपर कुछ गंदगी उसमें फ्लोट कर रहा था तो मैंने छन्नी की मदद से निकाल दिया उसको ताकि पानी अच्छे से साफ दिखे। आज का वीडियो में इतना ही और एक महीना हो गया है और एक महीने के बाद देखिए सारे में फ्लावरिंग शुरू हो गया है। वीडियो के अंत में कुछ जरूरी टिप्स वाटर लिलीज को लेकर आपके लिए, तो पहले जब रिपोर्टिंग करें फर्स्ट क्या करें, थोड़ा सा पानी दें, उसके बाद उसको धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पानी फूल करें। पत्ते आप लोग ट्राई करें कि पत्ते हमेशा पानी के ऊपर फ्लोट करते रहें, उसको पूरा धूप में रखें क्योंकि वाटर लिलीज को धूप बहुत पसंद है। पूरा दिन अगर धूप उसको मिलेगा तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, वैसे भी धूप जब निकलेगा तभी जाके उसके फूल खिलते हैं। बारिश के दिन पानी निकाल के फिर से पानी भरें ताकि मस्कीटोज का खतरा ना रहे। फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे बीच बीच में ज़रूर करें, इन बातों का आप लोगों को ध्यान जरूर रखना है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया होगा। अगर खरीदना चाहते हो तो DM करना बिल्कुल मत भूलें, नहीं तो WhatsApp ज़रूर करें। और एक जरूरी बात करने के लिए बिल्कुल भी ना भूलें, मेरे वीडियोज को जरूर लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप मेरे चैनल में नए हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग में नए प्लांट के साथ और कुछ नए नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गार्डनिंग करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।